नमस्कार फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर मेरे हाथ में जो टीवी है 32 इंच का क्राउन कंपनी का टीवी है। और ये टीवी ऑन करने के बाद इसका आवाज़ आता है, लेकिन इसके अंदर जो डिस्प्ले नहीं आ रहा है। देख सकते हैं डिस्प्ले भी आता है, लेकिन इसके अंदर जो बैकलाइट जलना चाहिए वो नहीं आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, कुछ कुछ थोड़ा सा नाम आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर, इसका मतलब स्क्रीन आ रही है, लेकिन वहाँ पर हमें जो बैकलाइट ऑन होना चाहिए वो बैकलाइट ऑन नहीं हो रहे है। इसकी वजह से हमें ये जो पिक्चर नहीं दिख रहा है। तो चलिए, ये कौन सा प्रॉब्लम है ढूंढते हैं, और इसके अंदर सर्किट का प्रॉब्लम है या बैकलाइट का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें ये ढूंढने के लिए, मैंने अभी टीवी खोला है और देख सकते हैं यहाँ पर बैकलाइट का जो वायर आया है, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि बैकलाइट को वोल्टेज जाते हैं या नहीं जाते। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये सॉकेट निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं कि इसको जो वोल्टेज चाहिए वो बनता है या नहीं। तो मेरे हिसाब से जब तक हम ऑन नहीं करेंगे तब तक 24-25 वोल्ट यहाँ तक होना चाहिए। ये देखिए 23 वोल्ट उल्टा वायर लग गया प्रोब। तो चलिए यहाँ पर 23 वोल्ट है, और जब हम ऑन करेंगे तो ये देखिए वोल्टेज बढ़ के फिर वापस आता है। तो ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा हम स्टेबल करते हैं उसको फिर ऑन करते हैं। तो यहाँ पर है ना, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ओके, चलो मैं अभी ऑन करने जा रहा हूँ, स्टैंड बाय से निकलता हूँ। तो यहाँ पर वोल्टेज देखिए 70 तक गया है, फिर वापस आ चुका है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि 70 तक जाता है फिर वापस आता है। ये जो सर्किट है बैकलाइट का, ये कम्प्लीटली ओके है। ओके, कभी भी ऐसे पहचानना कि जब स्टैंड बाय से हम मदरबोर्ड को ऑन करते हैं और बैकलाइट का वोल्टेज बढ़ के फिर वापस आ जाता है, तो ये हमारा बैकलाइट सर्किट जो है ओके है, मदरबोर्ड भी ओके है। अभी हमको करना क्या है कि इसके अंदर जो बैकलाइट लगे हुए हैं उसको खोलना है, और एक एक स्ट्रिप जो होती है वो चेक करने वाले हैं हम। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमें टीवी को खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा, जब कभी आप बैकलाइट चेंज करते हो या बैकलाइट का कभी प्रॉब्लम आता है, तो कभी भी ऐसा होता है कि एक स्ट्रिप चालू होती है, एक स्ट्रिप बंद होती है, या एक स्ट्रिप का एक ही लाइट बंद होने की वजह से पूरी जो एलईडी है वो बंद गिर जाती है, या क्या बोलते हैं उसको, बैकलाइट चालू नहीं होते। तो कुछ टेक्नीशियन क्या करते हैं कि जो उसका एलईडी बंद हुआ है उसको काट के उसकी जगह दूसरा एलईडी लगा देते हैं और चालू कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कभी मत करना, क्योंकि वो उस समय चालू तो हो जाता है और 8-10 दिन के बाद फिर ये टीवी जो है वापस आपके पास आ सकता है। तो कभी भी एक एलईडी या एक एलईडी स्ट्रिप बंद हो गई हो तो एक एलईडी स्ट्रिप मत डालना, क्योंकि वो मैच नहीं होती, और इसमें सब ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि वापिस फिर कंप्लेंट आ जाती है। तो उससे अच्छा सब एलईडी या सब एलईडी स्ट्रिप डालेंगे तो कभी कंप्लेंट नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने टीवी खोला है, और बहुत ही सावधानी से हमें ये जो फिल्म है या डिस्प्ले है इसको उठाना है, क्योंकि बहुत ही ये नाजुक होता है और बहुत ही संभाल के इसको उठाना पड़ता है। तो चलिए, मैंने इसको साइड में सेफ जगह पर रख दिया है, और अभी यहाँ पर हम रिफ्लेक्टर को भी खोल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर धीरे धीरे हमने ये सब खोल दिया है, और थोड़ा मैं वीडियो इसको स्किप करता हूँ क्योंकि इसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है खोलने के लिए। तो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप भी क्या बोलेंगे, सब बहुत ही लंबा वीडियो कर दिया। तो थोड़ा मैं इसको स्किप करता हूँ और आगे के प्रोसीजर हम करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर तो हो चुका है खोलने का।
सॉरी। तो चलिए यहाँ पर एक एक स्ट्रिप देखिए, यहाँ पर पूरा जो मेटल है ये नहीं है, एक एक बाजू उसको अलग अलग दिया है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने स्किप किया, और यहाँ पर ये भी सबका सब जगह का निकल चुका है, और इसको हम उठा लेते हैं रिफ्लेक्टर को। ये हमारा बैकलाइट ओपन हो चुका है। तो ये इस जगह मैंने ऐसा रखा है कि आप सब देख सके, क्योंकि पूरा एलईडी आपको दिखना चाहिए, इस हिसाब से मैं रख लेता हूँ इसको। ये भी उठाता हूँ, इसको स्क्रू है तो स्क्रू खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको निकाल सकते हैं। किसी किसी को स्क्रू नहीं आते। चलिए ये सब मैंने अभी खोल दिया है। तो ओके, मैं जो इस वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल पूरा बताऊंगा, इस वीडियो में डिटेल जो आप बैकलाइट चेंज करने वाले हैं, बैकलाइट चेंज करने में क्या दिक्कतें आती है, बैकलाइट कैसे चेंज किया जाता है, बैकलाइट की वायरिंग कैसे की जाती है, ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आप जब बैकलाइट डालोगे तो सेम बैकलाइट आपको मिलेंगे ये कम संभावना होती है, तो दूसरे भी बैकलाइट आते हैं तो वो कैसे आपको लगाना है वो इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले बैकलाइट चेक करते हैं कि हमारा बैकलाइट का प्रॉब्लम है तो है क्यों, और कौन सी स्ट्रिप इसकी बंद है या चालू है। ओके, तो चलिए मैंने अभी बैकलाइट टेस्टर को लगा लिया है, और ये देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रिप है ये लग चुकी है। ओके, मैं फिर आपको लगा के दिखाता हूँ एक बार, पूरा देख सके आप। ये देखिए यहाँ पर एलईडी स्ट्रिप चालू है। ये देखिए यहाँ पर मैं ये भी लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये फॉल्टी है, यहाँ पर एक और दो नंबर का, हाँ दो नंबर का जो है वो बंद है, शॉर्ट हो चुका है। और ये देखिए ये भी सब चालू है। देखिए मैं बोला था आपको, एक ही लाइट की वजह से पूरी जो एलईडी स्ट्रिप होती है ये बंद हो जाती है, और जो अपना सर्किट होता है वो सेंसिटिव होता है, कभी ऐसे प्रॉब्लम आता है तो वो ऑन नहीं कर पाता बैकलाइट को। लेकिन अपन हम बैकलाइट जो अभी टेस्ट कर रहे हैं बैकलाइट टेस्टर पे, उस पे लगेगा, लेकिन जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर नहीं लगता। तो यही दिक्कत होती है बैकलाइट प्रॉब्लम आने की। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक लाइट इसका, एक एलईडी इसका खराब हो चुका है, तो एक ही मत डालना, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आती है। तो इसके लिए हमें सब तीनों भी स्ट्रिप नया डालेंगे, और तीनों स्ट्रिप अच्छे डालेंगे, उसके बाद हम चालू करेंगे इसको। चलो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, पुरानी स्ट्रिप को। ये देखिए ये अभी अच्छी है, लेकिन हम इसको नहीं डालेंगे, क्योंकि तीनों ही अच्छी डालेंगे तो ये अच्छी सर्विस देगा। और आप चालू काम करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा मत करना। चलो यहाँ पर मैंने जो पुराने स्ट्रिप एलईडी है सब निकाल लिया है, और अभी हम नया देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दो जो तीन एलईडी पट्टी है नया लगाया, ये लाया है, और ये अभी थोड़ा सा अलग है लेकिन हेवी है, उससे पहले से भी हेवी है, और अच्छी कंडीशन में बोल सकते हैं, या अच्छी स्ट्रिप है इसमें, हेवी वाला जो उसका हीट सिंक है उसका, तो ये ज़्यादा लाइफ टाइम चलने वाली है। तो इसमें हमें जो सॉकेट लगा हुआ है ये अलग है थोड़ा, जो अभी वायरिंग को है हमें इसकी वायरिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें इसको स्क्रू लगा के सब जो एलईडी है स्ट्रिप उसको फिटिंग कर लेते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा स्किप करते हैं, क्योंकि इसको भी फिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, तो इतना टाइम हम वीडियो नहीं निकाल सकते। चलिए मैं थोड़ा स्किप कर लेता हूँ, और
फिटिंग होने के बाद फिर इसकी वायरिंग कैसे की जाती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। किसी किसी एलईडी में पैरेलल होती है, किसी किसी एलईडी में सीरीज होती है। तो चलिए इसकी वायरिंग जो है सीरीज में है, तो चलिए ये कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर एक दोस्त को लगा लेता हूँ। फिटिंग करते वक्त ये जरूर देख लेना हमारी जो ऊपर का रिफ्लेक्टर है वो कहाँ पर है, उसकी लाइन कहाँ पर है। अलग जगह पर फिटिंग करेंगे तो फिटिंग नहीं होगा। चलिए इस तरह से मैंने इसको फिटिंग कर दिया है और अभी हम इसकी वायरिंग करने वाले हैं। चलिए ये सब हमारा फिटिंग हो चुका है तीनों पट्टी, लेकिन यहाँ पर हमें जो सॉकेट है अलग तरह का है। देखिए यहाँ पर मैं बिठाने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। एलईडी स्ट्रिप पर हमें जगह दी होती है पॉजिटिव नेगेटिव की वायरिंग लगाने के लिए। ये वायरिंग हम सॉकेट काट के यहाँ पर सोल्डरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो प्लस वायर है रेड रेड वाली, उसको कट करना है। इस तरह से इसको कट करना है। इसको कट करने के बाद थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगा के इसको सोल्डरिंग करना है। और ये जहाँ पर हमें एलईडी स्ट्रिप की प्लस पॉइंट दिख रहा है वहाँ पर ये रेड वायर वहाँ पर लगाना है। एक एक वायर कट करेंगे तो आपको मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में जरूर आएगा कि मैं सीरीज वायरिंग कैसे करने के बता रहा हूँ। सीरीज वायरिंग यही होता है कि एक का प्लस एक का माइनस, एक का प्लस एक का माइनस, एक का प्लस एक का माइनस, ऐसे करने किया जाता है। तो सबसे पहले हमें इसका प्लस लेना पड़ेगा और जो अभी एक वायर जो है वाइट वाली वो जो है माइनस। तो यहाँ पर ये जो वायर है वहाँ पर हम सोल्डरिंग करेंगे। अभी देखिए कैसा करना है, यहाँ पर जो हमें जो पहले सॉकेट था वैसा ही हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम सॉकेट नहीं लगा सकते क्योंकि वो अलग है। तो यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर देते हैं। तो सोल्डरिंग करने के बाद देखिए यहाँ पर अभी जो मैं वायर सोल्डरिंग कर रहा हूँ वो वायर है माइनस वाली। ओके अभी ध्यान से देखिएगा कि ये माइनस वाली जो वायर होती है ये अगले स्ट्रिप पर प्लस वाली पे ही लगाना पड़ेगा हमें, ना कि माइनस पे। ओके तो चलिए यहाँ पर अभी दूसरा सॉकेट जो हमारे हाथ में है उसको भी हम काटते हैं, लेकिन काटने के पहले कौन सी वायर सबसे पहले काटनी है, देखिए जहाँ पर हमने लास्ट वायर लगाई थी माइनस वाली वही वायर अभी पहले काटना है हमें। तो इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेते हैं कि आसानी से वहाँ पर वायर लग सके। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें मैं अभी कट करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर माइनस वाली वायर मैंने लास्ट लगाई थी, माइनस वाली ही वायर मैं कट करूँगा। अभी यहाँ पर रेड और वाइट वायर मत देखना, यहाँ पर खाली देखना कि हमने लास्ट वायर कौन सी शोल्डर किया था। ओके तो लास्ट वाली माइनस शोल्डर किया था और यहाँ पर हम प्लस पे लगाएंगे। ये जो स्ट्रिप है यहाँ पर प्लस पॉइंट कौन सा है वहाँ पर ही ये वायर हमें लगा देना है या सोल्डरिंग करनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चेक किया वही वायर है जहाँ पर मैं अभी प्लस लगा रहा हूँ। ओके अभी ये तो हो गई, अभी जो वायर हम लगाने वाले हैं देखिए इसका ही एक वायर बाकी है जहाँ पर सॉकेट लटका हुआ है, तो वो काटते हैं। ये देखिए थोड़ा जूम भी कर लिया मैं क्योंकि आपको आसानी से दिख सकते सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने ये काट लिया, वो वायर प्लस पे लगा दिया था, ये अभी हम माइनस पे लगाने जा रहे हैं। ओके ये देखिए इस तरह से। ओके
वाह, अभी फिर से वही जो मैंने यहाँ पर दोहराया था, वही अगले स्टेप पे करना है कि यहाँ पर जो माइनस वाला वायर है, यहाँ पर सबसे पहले हाथ में लेना है, उसको ही काटना है, क्योंकि तो प्लस माइनस में कभी गड़बड़ी हो जाती है तो अपना स्ट्रिप लाइट लगता नहीं है और बंद हो जाता है, फिर अपने हमें ढूंढना पड़ता है कि फॉल्ट क्या हुआ है। ओके, तो उसके लिए मैं आपको जो वैसे बता रहा हूँ वैसे ही वायरिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अभी हाथ में पकड़ा हूँ माइनस वाला वायर, तो यही कट कर रहा हूँ। उसके बाद उसको थोड़ा छील के सोल्डरिंग कर देता हूँ, लेकिन सोल्डरिंग करूँगा प्लस पॉइंट पे। माइनस वाला वायर जो है प्लस पॉइंट पे हमें स्ट्रिप पर सोल्डरिंग करना है। देख सकते हैं यहाँ पर प्लस पॉइंट है, यहाँ पर ये सोल्डरिंग कर देता हूँ। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको कैसी वायरिंग करने का बोल रहा हूँ, कैसी कोशिश करना है। अभी जो लास्ट वायर है वहाँ पर हमें चिपका देना है, बस ये हमारी वायरिंग ओके हो गई है। ये जो लास्ट वाला वायर है यहाँ पर लगा देना है माइनस पर। कुल मिला के होता क्या है, इसकी जो पहले वाला स्ट्रिप की जो प्लस वायर और लास्ट वाला जो स्ट्रिप लाइट है उसका माइनस वायर, दोनों प्लस और माइनस लगाएंगे तो ये तीनों स्ट्रिप हमारी लगनी चाहिए, तो ये हमारा सर्किट ओके हो जाता है, इसको बोलते हैं सीरीज। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी वायरिंग तो कर दिया, मैं आपको बैकलाइट पे प्लस और माइनस वायर जो जहाँ पर आई है वहाँ पर मैं ये पॉइंट लगा के दिखा देता हूँ कि अपना तीनों भी स्ट्रिप चालू होती है या नहीं होती। ओके, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैंने प्लस पॉइंट लगाया था, यहाँ पर प्लस लग गया है, यहाँ पर माइनस लग गया, तीनों स्ट्रिप हमारी ऑन हो चुकी है, मतलब हमारा जो वायरिंग किया है हमने वो कंप्लीट ओके हो चुका है, ये देखिए। ओके, तो ये हमारा वायरिंग ओके हो चुका है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो पीछे वाला जो वायर आया है मदरबोर्ड को जाने वाला वायर, उसको लगा के हम इसको फिर चालू कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसका जो रिफ्लेक्टर कवर है वो सब लगा देता हूँ। लगाने के बाद उसको फिटिंग कर देता हूँ, और फिटिंग भी कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सा ट्यूटोरियल आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि अपना जो प्रॉब्लम था बैकलाइट का, जहाँ पर हमें पिक्चर नहीं दिख रहा था, तो ये ऑन होने के बाद दिखता है कि नहीं दिखता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो रिफ्लेक्टर कवर है वो भी मैंने लगा दिया है, वहाँ पर स्क्रू था वो भी लगा दिया है, क्योंकि इतना सारा वीडियो में मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि वीडियो अभी भी बहुत लंबा हो चुका है, और ऐसा पूरा वीडियो निकालेंगे तो 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको जो भी आवश्यकता है उसकी दिखाने की, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर स्क्रीन फिटिंग का थोड़ा सा प्रोसीजर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? तो यहाँ पर सब आपने किया है, लेकिन यहाँ पर आप स्क्रीन अच्छी तरह से नहीं बिठा पाए तो अपना ये सब मेहनत जो है वो सब पानी में जाएगी, ये सोच लो। क्योंकि ये जो स्क्रीन होती है ना दोस्तों, ये बहुत ही नाजुक होती है, ये कैसे फिटिंग करना है वो बहुत ही आपको सावधानी से फिटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सावधानी से फिटिंग नहीं करेंगे ये स्क्रीन कभी टूट गई तो बहुत ही बड़ा आपका नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए संभाल के ही स्क्रीन को फिटिंग करना। ओके, तो चलिए यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि ये भी ऊपर नीचे कभी हो जाता है कवर, या ऊपर नीचे बैठ जाता है तो अपनी स्क्रीन अच्छी तरह से नहीं बैठती, तो ये भी देख लेना पड़ता है कि अच्छा बैठा है या नहीं बैठा है। तो इस तरह से ये फिटिंग हो चुका है, और मैं अभी ऊपर का जो फ्लेम है या डिस्प्ले है इसको मैं रख लेता हूँ। और रखने से पहले ये देखिए, यहाँ पर जो कोने होते हैं डिस्प्ले के, ये जरूर देखना कि एक कोई कोना थोड़ा सा ऊपर नीचे तो है नहीं, या किसी कोपरे पर या कोने पर आया है तो जरूर देखना, क्योंकि जब हम ऊपर का सॉरी
ऊपर का जो कवर लगाते हैं, तो ऊपर नीचे होने से हम कभी प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले फूट जाता है या क्रैक हो जाता है। तो ये जरूर देखना कि हमारा जो डिस्प्ले मैंने रखा है वो अच्छी तरह से बैठा है या नहीं। जब आपका कंफर्म हो जाए तभी आप इसका जो ऊपर का जो कवर है वो लगा सकते हैं। ओके, तो जल्दबाजी मत करना कौन से भी काम करने को। तो चलिए यहाँ पर मैं अभी रख लिया हूँ। जब तक मैं इसका डिस्प्ले फिटिंग करता हूँ तब तक आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करना दोस्तों तक, अपने पहुँचा देना। और मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट किया है और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमारा चैनल का ग्रो हो जाता है और हमें भी अच्छा लगता है कि हमको कोई पसंद कर रहा है। तो उसके लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए इस तरह से मैंने इसको फिटिंग कर दिया है। ऊपर का जो कवर है, और मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पर भी बहुत ही सावधानी से आप एलवीडीएस का केबल लगा सकते हैं। गड़बड़ी में आप कभी कभी ये वायर लगाना थोड़ा टेढ़ा टाढ़ा हो जाता है तो आप डिस्प्ले को गवा सकते हैं, तो प्लीज़ उसको भी देख लेना। तो अभी देखिए मैंने टीवी को स्टैंड बाय मोड में ले लिया है और अभी मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखिए ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं इसमें डिस्प्ले भी आ चुका है और टीवी अपना चालू हो चुका है, देख सकते हैं। ओके, ये देखिए एंड्रॉयड टीवी है और टीवी ऑन हो चुका है। ओके, टीवी ऑन हो चुका है दोस्तों, और आपको चाहिए तो मैं इसमें ऑडियो वीडियो की केबल भी थोड़ा सा लगा सकता हूँ, ज़्यादा नहीं दिखा सकता कॉपीराइट का इश्यू से, लेकिन थोड़ा सा लगा सकता हूँ। देखिए देखिए डिस्प्ले आ चुका है, स्क्रीन भी आ चुका है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमारा चैनल ग्रो होता है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।